नमस्कार बागवान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर की, जिसको जो है 7500 फीट एलिवेशन पे लगाया गया है। इसमें आप साइज़ देख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल हो चुका है। तो बागवान भाइयों, एक होता है ग्रैनी स्मिथ, एक होता है ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर। इसमें जो है डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर थोड़ा गोल आकार का रहता है, ये एक इटालियन वैरायटी है और इसमें जो है वाइट स्पॉट आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि थोड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं और डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो जो हमारा ग्रैनी स्मिथ है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा सा लंबोतरा होता है, उसमें साइज़ जो है इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन इस एलिवेशन पर ग्रैनी स्मिथ जो चैलेंजर है, इसका जो मेरे पास साइज़ आ रहा है वो लार्ज मीडियम स्मॉल आ रहा है, लार्ज मीडियम स्मॉल, क्योंकि इसको जो हार्वेस्ट करता हूँ मैं, इसको नवंबर में हार्वेस्ट करता हूँ, तो इसमें साइज जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा येलोइश कलर का हुआ है धूप के कारण, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक ये बिल्कुल डार्क हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, चारों तरफ से बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है। अगर हायर एलिवेशन की बात की जाए तो आप ग्रैनी स्मिथ को ही लगाएँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा लंबोतरा रहता है, जिसके कारण आपका जो पेटी में ग्रेड है वो बढ़ जाता है, ए ग्रेड बढ़ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा चपटा होता है, ये आप देख सकते हैं, हालांकि ये काफ़ी बड़ा है लेकिन ये चपटा होता है। और आप देख सकते हैं इस प्लांट में जो है लास्ट ईयर कलम करने के कुछ, जब इसकी कलम की ग्रोथ 5-6 इंच 7 इंच हो गई थी, तो इसमें जो है माइट की समस्या आ गई थी, जिसके कारण इसमें जो है ग्रोथ चेक हो गई थी, और ग्रोथ चेक होने के बाद इसमें बड फॉर्मेशन हो गई थी, जिसके कारण इस बार इसमें आप देख सकते हैं इसमें लगभग एक बॉक्स से भी ज़्यादा फ्रूट है, ये आप देख सकते हैं। ये आप ऑफ शूट पे देख सकते हैं, ये रेड है, जिसमें जो है कलर बिल्कुल भी नहीं आता, नाम रेड है लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है। इसका जो पॉलिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लांट में, देखिए फ्रूटिंग देख सकते हैं आप, इसको फोकस करना चाहूँगा थोड़ा, ये देखिए फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। पॉलिनेशन इसका काफ़ी अच्छा है, फूल इसका थोड़ा लंबा चलता है लेकिन थोड़ा सा लेट आता है इसका फूल, जो कि सेकंड या थर्ड फ्लावरिंग के दौरान ही आता है इसका फूल। तो हमने जो है 40 प्लांट टॉप क्राफ्ट किए थे ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर के। इसकी जो है मार्केट अच्छी रहती है, अगर आप इसको जो है लेट हार्वेस्ट करेंगे नवंबर में, या फिर आप इसको स्टोर करके मार्च अप्रैल में इसको सेल आउट कर सकते हैं, तो इसकी जो है मार्केट काफ़ी अच्छी रहती है, इसके दाम जो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 150 तक इसके दाम मिल जाते हैं, 100-150। ये थोड़ा अट्रैक्टिव सा फ्रूट है इसलिए इसकी मार्केट भी अच्छी है, शेल्फ लाइफ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये इसका जो टेस्ट आता है खाने के लिए जनवरी या फरवरी में आता है, क्योंकि अभी तो ये खट्टा होता है, दिसंबर में भी खट्टा होता है बिल्कुल खाने में, और इसको कहा जाता है कि ये शुगर फ्री फ्रूट है। ये देखिए इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है अभी से ही, और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।